हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन विन्यास की, और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के और एफ ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है बच्चों। इसके बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो बच्चों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अगर जनरली हम देखें तो ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, वैसे एस और पी ब्लॉक हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर इस बस थोड़ा सा बेसिक बातें करेंगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, कौन कौन से तत्व होते हैं आपके पास में, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले बात यार डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक क्यों बोला इसको, कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हमने क्या बोला कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, उपकोष में जाता है फिर भरा जाता है, वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे देखा जाएगा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा में ये बोल सकते हैं सर संक्रमण तत्व क्यों कहा गया, कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उन सभी में, हम ये बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में जो इनका उपकोष होता है वो अर्ध पूरित होता है या अपूर्ण पूरित होता है, जो भी आप बोलना चाहो, हम ये बोलेंगे कि वे डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनमें जो डी उपकोष होता है वो अपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, अतः उन तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व कहा जाते हैं, और इन्हीं तत्वों को हम बोलेंगे संक्रमण तत्व, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारे पास में जो जिंक कैडमियम और HG जो होता है, अगर हम बात करें डी ब्लॉक में, हम यहाँ पर चार सीरीज की बात करते हैं, 3D 4D 5D और 6D सीरीज की बात करते हैं बच्चों, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि हमारे पास में यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अपूर्ण रूप से भरा हुआ डी उपकोष, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आपके पास डी जो उपकोष है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि डी ब्लॉक में हम कितनी श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं, तो डी ब्लॉक में हम तीन श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं, कितनी श्रेणी पढ़ते हैं, चार श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, एक आती है 3D, एक आती है 4D, एक आती है 5D और एक आती है बच्चों 6D श्रेणी आती है हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास जो श्रेणी होंगी, जो सीरीज होंगी, हम फोर श्रेणी की बात करेंगे यहाँ पर, एक होती है 3D, एक होती है 4D, एक होती है 5D, एक होती है 6D श्रेणी होती है बच्चों हमारे पास में। 3D जो श्रेणी हमारे पास में जो होगी वो हमारे पास में परमाणु क्रमांक जो होगा 21 वहाँ से स्टार्ट होगी, और 30 यहाँ पर इसलिए होगा आपके पास में जिंक। तो 21 से लेकर 30 तक के जो तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 21 से 30 के बीच में आता है वो 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। बात करते हैं 4D श्रेणी, अब 4D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आपके पास में आएंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं 39 नंबर से और यहाँ पर 48 नंबर, यक्रम और कैडमियम आपके पास में दिया है कि 39 से 48 ये जो परमाणु क्रमांक दिया है इसके बीच में जो भी परमाणु क्रमांक के तत्व आते हैं वो सारे 4D श्रेणी में आते हैं आपके पास में। अब बात करते हैं 5D श्रेणी की बच्चों, अब 5D श्रेणी में आपके पास में यहाँ पर आएगा 57 नंबर, कौन आएगा 57 नंबर पर आएगा लैंथेनाइड, जिसको आपने बोला क्या है यहाँ पर लैंथेनाइड आएगा। इसके बाद में आपके पास में लैंथेनाइड सीरीज आती है, और लैंथेनाइड सीरीज आती है उसमें एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें 14 तत्वों को अगर हम छोड़ दें, अगर 14 तत्व छोड़ने के बाद में जो तत्व हमारे पास में आएंगे, तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास में है वो तो आ जाएगा HG, और HG का परमाणु क्रमांक होता है 80 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से जो बच गया हमारे पास में वो आ जाएगा 72 से लेकर बाकी का, एक तो ये हो जाएगा 57 नंबर, एक हो जाएगा 72, और बच गया हमारे पास में 8 तत्व हुए, तो कुल मिलाकर हमारे पास में कितने हो गए बच्चों, ये हमारे पास में 10 तत्व हो जाएंगे, क्योंकि डी जो उपकोष है उसमें हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब कितने तत्व हो गए एक श्रेणी में, 10 तत्व हो गए आपके पास में, ठीक है। अब बात करते हैं 6D श्रेणी की,
सिक्स्थ श्रेणी जो आपके पास में स्टार्ट होगी बच्चों, इसके जस्ट नीचे है आपके पास में, ये स्टार्ट होगी आपके पास में 89। एक्टिनोड श्रेणी का आपने नाम सुना होगा जिसको एक्टिनियम बोलते हैं। उसके बाद में आपके पास में एफ ब्लॉक के तत्व आएंगे और ये स्टार्ट हो जाएगी आपके पास में 104 से 112 UUB। ये जो आपके पास में चार श्रेणी दी गई है बच्चों, 3D 4D 5D 6D श्रेणी, ये डी ब्लॉक के तत्वों की दी गई है। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं आपके पास में, ये आपके पास में हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी में हमारे पास में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो ये जो तत्व होंगे आपके पास में बच्चों, ये तीसरे वर्ग से लेकर और 12वें वर्ग के बीच में आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 के बीच में हमारे पास में कौन आते हैं? डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या पढ़ा? देखो ये जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक का नाम हो जाएगा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व का नाम मतलब क्या हुआ कि सर डी ब्लॉक में वो तत्व जिनमें डी उपकोष अपूर्ण रूप से भरा हुआ हो उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संक्रमण तत्व क्या होगा? जिनमें डी उपकोष क्या हो? अपूर्ण रूप से भरा हो। हम ये बोल सकते हैं कि वे तत्व जिनमें डी उपकोष में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो वो सारे के सारे संक्रमण तत्व कहलाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि डी ब्लॉक के तत्व नहीं कहलाएंगे, बच्चों को डी ब्लॉक के तत्व तो कहलाएंगे, लेकिन बात करें संक्रमण तत्व है तो वो डी ब्लॉक का ही, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्व। तो वे तत्व जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो या उनके पास डी उपकोष अपूर्ण रूप से भरा हुआ हो वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि डी उपकोष अपूर्ण रूप से, डी उपकोष अपूर्ण रूप से भरा हो, या फिर हम क्या बोलेंगे, तत्वों के पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बात ये आ रही है, सर जी ये बताओ कि कुल मिलाकर अगर बात करें डी ब्लॉक में कुल संक्रमण तत्व कितने हैं? तो कुल संक्रमण तत्व हमारे पास में देखते हैं और कौन कौन से नहीं है, तो बच्चों देखना नंबर 30, 48, 80 और 112। अगर चार श्रेणी की हम बात कर रहे हैं तो ये जो चारों के चारों तत्व हैं ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते बच्चों। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि इनमें जो डी उपकोष होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ आता है, यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इस वजह से इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते। तो बात करेंगे अगर हमारे पास में तो कुल संक्रमण तत्व, किसकी बात करें? कुल संक्रमण तत्व। तो कुल संक्रमण तत्व हो जाएंगे बच्चों देखना, एक इसमें कितने तत्व थे? 10। 10 में से एक कम कर दो, कितने बच गए? 9। तो 9A 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 9A, 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल कितने आ जाएंगे? 36। और हम ये बोलेंगे संक्रमण तत्व जो नहीं है हम ये बोलेंगे असंक्रमण तत्व, वो कितने बच गए हमारे पास में? 4 बच्चों। और ये 4 कौन कौन से हो जाएंगे? जिंक, कैडमियम, HG व UUB, अगर हम चारों श्रेणी की बात करते हैं तो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि सर डी ब्लॉक के जो तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास है तो उनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? तो बच्चों इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होगा हमारे पास में NS012 और N-1D1 से लेकर 10। ये इनका क्या हो जाएगा हमारे पास में? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बच्चों। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि N-1D1 से लेकर 10 और NS0 से लेकर 2। ये इनका क्या हो जाएगा हमारे पास में? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बच्चों। दोबारा से बात करते हैं कि सर जी हमारे पास में देखो यहाँ पर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS012 N-D1 से 10, मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 से लेकर 10 तक के जा सकते हैं आपके पास में। ठीक है, और ये तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोष में जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, इनमें डी देखो अपूर्ण रूप से भरा हुआ डीप कोष। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कितनी श्रेणी आती है हमारे पास में, इसमें श्रेणी हम पढ़ेंगे 4 श्रेणी के बारे में। ठीक है, 4 श्रेणी कौन कौन सी बच्चों? 3D 4D 5D और 6D श्रेणी आपके पास में दी गई है।
फिर आपसे बोला गया कि यहाँ पर संक्रमण तत्व कौन से हैं, तो आप बोलोगे कि वे डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके पास में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या उनके पास में डी उपकोष अपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, वे सारे के सारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि संक्रमण तत्व यहाँ पर कितने होंगे हमारे पास में, 36 हो जाएंगे। आपसे बोला जाए 3D सीरीज में संक्रमण तत्व कितने, संक्रमण तत्व कितने, तो आप क्या बोलोगे, 9। और ये बोला जाए कुल संक्रमण तत्व कितने, कितने आएंगे, 10। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व को क्या नाम देते हैं, संक्रमण तत्व नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। ये इनका सामान्य क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आपके पास में जिंक, कैडमियम, Hg और Li होंगे, इनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते बच्चों, ठीक है क्लास। बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।